यूं तो अभिनेता संजय दत्त की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। अब उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास खुलासे लेखक यासीन उस्मान ने अपनी किताब में किए हैं। बहुत से खुलासों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है जिसमें बताया गया है कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब संजय दत्त 4 दिनों तक फूट फूट कर रोए थे। तो आखिर क्यों रोए थे संजय दत्त? किताब के जरिए बताया गया है कि संजय दत्त के जीवन का सबसे मुश्किल समय वो था जब उन्होंने हमेशा के लिए अपनी मां नरगिस दत्त को खो दिया था। गौरतलब है कि किताब में ये भी बताया गया है कि संजय अपनी मां नरगिस दत्त की मौत पर तो नहीं रोए थे, पर एक दिन अचानक 3 सालों के बाद टेप में मां की आवाज सुनकर संजय दत्त जोर जोर से रोने लगे थे। माँ को खो देने के गम में संजय दत्त नशे की लत में जीने लगे थे। उनकी इसी लत को छुड़ाने के लिए उन्हें उपचार केंद्र तक भेजना पड़ा था। उसी दौरान उनके पिता सुनील दत्त ने अपनी पत्नी और उनकी मां नरगिस दत्त के अंतिम दिनों के कुछ रिकॉर्ड किए हुए टेप संजय दत्त को भेजे थे, जिसको सुनते ही उनको ऐसा लगा जैसे कमरे में चारों ओर नरगिस दत्त की आवाज गूंजने लगी और वो 4 दिनों तक फूट फूट कर रोए थे।